डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेस हिबा तुर्रोफ, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे पेपर डी, चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज हमारा टॉपिक है रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रेक्टिफिकेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी करंट इनटू डीसी करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। एसी करंट और डीसी करंट दोनों में क्या डिफरेंस है? एसी करंट साइन वेव की फॉर्म में होते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकल्स, वेयर एज डीसी करंट कंटेन्स ओनली स्ट्रेट लाइन। मीन्स एसी करंट में पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल होगा, डीसी करंट में कोई साइकिल नहीं होगा। एसी करंट का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता, डीसी करंट का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है। एसी करंट का ग्राफ साइन वेव की फॉर्म में होगा, डीसी करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगा। आपने देखा है जो हमारे घरों में लाइट आ रही है वो एसी है, और जो मोबाइल फ़ोन्स की बैटरीज में या यूपीएस की बैटरीज में वो डीसी है। आपने देखा है कि अगर हम टीवी का प्लग लगाते हैं, स्विच लगाते हैं बोर्ड में, तो हम बगैर सोचे समझे बोर्ड में स्विच लगा देते हैं। कभी भी हम ये नहीं देखते कि उसका पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है। लेकिन जब हम क्लॉक में सेल डालते हैं तो हम ज़रूर ये नोट करते हैं कि सेल का पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है। इट मीन्स कि एसी करंट जो है उसका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता, सिर्फ उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल होता है। डीसी करंट का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं लेकिन उसमें साइकिल्स नहीं होते। डीसी करंट यूनिडायरेक्शनल होगा और एसी करंट टू डायरेक्शनल होगा। ये है एसी करंट और डीसी करंट में डिफरेंस। अब हमारे पास रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं, और ये कन्वर्जन जो होती है सेमीकंडक्टर डायोड के थ्रू होती है। इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे डायोड एज ए रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर डायोड की एप्लीकेशन है रेक्टिफिकेशन। ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा तो हम उसको कहेंगे रेक्टिफायर। और रेक्टिफिकेशन की बेसिकली टू टाइप्स हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती क्या है। अब फुल वेव रेक्टिफायर इज़ द टाइप ऑफ रेक्टिफायर विच कन्वर्ट्स बोथ हाफ साइकल्स ऑफ एसी सिग्नल इनटू पल्सेटिंग डीसी सिग्नल। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, एक कि ये बोथ साइकल्स को कन्वर्ट कर रहा है,
दूसरा एसी को कन्वर्ट कर रहा है पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में। बहुत साइकल्स इसके कन्वर्ट हो रही हैं, इसी वजह से इसको फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। द फुल वेव रेक्टिफायर इज फर्दर क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स। नंबर वन सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, नंबर टू फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। आज हम पढ़ेंगे सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर इसको क्यों कहा गया है, और ये भी कि अगर कोई डिवाइस है तो वो कैसा है। सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफिकेशन का मतलब ये है कि इसमें हम नॉर्मल ट्रांसफार्मर की बजाय सेंटर टेप ट्रांसफार्मर लगाएंगे, और वो कैसा होगा, उसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ये आपके सामने डायग्राम है, आप इसमें देख सकते हैं प्राइमरी कॉइल्स हैं और एक साइड पे सेकेंडरी कॉइल्स हैं। आप देख रहे हैं कि प्राइमरी कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, सेकेंडरी कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स कम हैं। मीन्स एन पी ग्रेटर देन एन एस, इट मीन्स ये बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड है जिसको हमने एज ए रेक्टिफायर यूज़ करना है, और वो बहुत लो वोल्टेज पे ऑपरेट करता है, और एसी वोल्टेज हाई वोल्टेज होती है, उसको लो पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए हम ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। यहाँ हम इसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं। इसमें जो ग्रीन लाइन शो की हुई है इसको सेंटर टेप कहा गया है। क्यों कहा गया है आगे डायग्राम में देखते हैं। ये देखिए, ये आपके पास सिंपल एक ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन, और ये ग्रीन लाइन सेंटर टेप लाइन है। आप देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज को जो कि इनपुट से जाएगा, यानी प्राइमरी कॉइल में से जो पास करेगी वोल्टेज, इसकी सेंटर टेप लाइन जो है वोल्टेज को दो हिस्सों में तकसीम कर देगी। प्राइमरी में से पास करेगा, कोई डिवीज़न नहीं होगी। ये जहन में रखना है कि ये जो वोल्टेज को डिवाइड कर रहा है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर कर रहा है, लेकिन उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग्स करती हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग्स में से जब गुजरेगा तो उसको दो हिस्सों में तकसीम करेगा, अपर पार्ट सेकेंडरी वाइंडिंग्स का वोल्टेज को कन्वर्ट करेगा V1 में, लोअर पार्ट V2 में। दोनों वोल्टेजेस की मैग्नीट्यूड सेम होगी लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, और V टोटल किसकी इक्वल होगी, V1 प्लस V2 दोनों का सम। इसका ऑपरेशन देखते हैं, वर्किंग कैसे वर्किंग करते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की वर्किंग। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर नॉर्मल ट्रांसफार्मर की तरह ही काम करता है। नॉर्मल ट्रांसफार्मर की तरह ही ये वोल्टेज को, एसी वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, लेकिन इसकी सेंटर टेप प्रॉपर्टी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंट फीचर है। इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग्स जो हैं वो वोल्टेज को, एसी वोल्टेज को, यानी एसी वोल्टेज सिग्नल को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है, जैसे मैंने आपको बताया। अब जब दो हिस्सों में तकसीम करेगा V1 और V2 में, तो V1 में अगर वोल्टेज प्लस है, पॉजिटिव में है, यानी पॉजिटिव साइकिल है ऊपर, तो V2 में जो पोटेंशियल होगा
V2 पोटेंशियल जो होगा उसमें उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। आप देख रहे हैं ये एसी साइकिल, अगर इसका पॉजिटिव साइकिल आप देखें, ये इसका इतना हिस्सा जो है ये पॉजिटिव साइकिल है और ये इसका नेगेटिव साइकिल है। आप पॉजिटिव और नेगेटिव में देखें दोनों में 180 डिग्री का डिफरेंस है। मींस के जब ये सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरेगा अपर पार्ट उसको दो हिस्सों एक हिस्से में कन्वर्ट करेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। लोअर पार्ट V2, अगर V1 पॉजिटिव है तो V2 नेगेटिव होगी, अगर V1 नेगेटिव है तो V2 पॉजिटिव होगी और दोनों में 180 डिग्री का डिफरेंस होगा। यही सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी है और इसी प्रॉपर्टी की वजह से फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है। अब हम देखेंगे कि सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर क्या है। अ सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर इज़ अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर विच यूजेस अ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर एंड टू डायोड्स टू कन्वर्ट द कंप्लीट एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल। सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर इज मेड अप ऑफ एन एसी सोर्स, यानी कंस्ट्रक्शन इसकी बता रहे हैं, इसमें एक एसी सोर्स होगा, एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होगा, दो डायोड्स होंगे और एक लोड रेजिस्टेंस होगी जो शंट के तौर पे यूज़ होगी। ये हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन की, फुल वेव रेक्टिफायर की सर्किट डायग्राम है। ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दिखाया हुआ है। ये हमारे पास सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है, ये इसकी प्राइमरी कॉइल है जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स इसकी सेकेंडरी कॉइल से ज़्यादा हैं, मींस NP ग्रेटर देन NS, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये सेंटर में जो लाइन है ये आपके पास सेंटर टेप है और सेंटर टेप के दरमियान में RL लोड रेजिस्टेंस शंट के तौर पर लगाई हुई है। दो डायोड्स हैं D1 D2। ऊपर वाले पोर्शन में एरोस से करंट को शो किया हुआ है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल AC सिग्नल का जो कि इनपुट पे हम अप्लाई करेंगे पास करेगा तो ऊपर वाला पोर्शन वर्किंग में होगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल पास करेगा तो नीचे वाला पोर्शन ये वाला वर्किंग में होगा। ये भी हम पढ़ते हैं कैसे और हमें आउटपुट मिलेगी। आउटपुट हमें पल्सेटिंग DC ही मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आप एक डिफरेंस देख रहे हैं। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में पॉजिटिव साइकिल रेक्टिफाई होके आता है, नेगेटिव साइकिल रेक्टिफाई नहीं होता, उसका उसकी जगह गैप होता है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं पॉजिटिव साइकिल भी है और नेगेटिव साइकिल भी रेक्टिफाई हुआ है। अब नेगेटिव साइकिल जो रेक्टिफाई हुआ है वो आपके पास अपर पोर्शन में शो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है ये हम देखेंगे अभी। अब इसकी सर्किट डिस्क्रिप्शन आप खुद बना सकते हैं, हेडिंग दें सर्किट डिस्क्रिप्शन, इनपुट AC सिग्नल, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, D1 डायोड, D2 डायोड, RL लोड रेजिस्टेंस और DC आउटपुट सिग्नल, पल्सेटिंग आउटपुट सिग्नल। अब हम देखेंगे कि सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर कैसे ऑपरेट करता है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट सिग्नल का, ये पॉजिटिव साइकिल लिखा हुआ है आपके सामने, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में से पास करेगा, प्राइमरी कॉइल में से गुजरेगा,
उसको स्टेप डाउन करेगा। स्टेप डाउन होने के बाद वो जब सेकेंडरी कॉइल में आएगा तो टेप प्रॉपर्टी की वजह से इस पॉजिटिव साइकिल को दो फेजेस होंगे। D1 पे ये एज इट इज़ अपीयर हो जाएगा, मींस पॉजिटिव साइकिल के तौर पे, लेकिन चूँकि उसने सेंटर टेप ट्रांसफार्मर ने इसको दो पोर्शंस में डिवाइड करना जिसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ उसको फेस शिफ्ट देगा। फेस शिफ्ट मिलेगा तो पॉजिटिव साइकिल को 180 डिग्री का फेस शिफ्ट मिलेगा। फेस शिफ्ट की वजह से नीचे वाले पोर्शन में यानी D2 पे वो नेगेटिव साइकिल के तौर पे अपीयर होगा। अब आपके पास दो सिचुएशंस हैं, D1 पे पॉजिटिव साइकिल है और वही पॉजिटिव साइकिल सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी की वजह से 180 डिग्री के फेस शिफ्ट की वजह से D2 पे नेगेटिव साइकिल के तौर पे अपीयर होगा। अब D1 यानी डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से मिलेगा, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल जो इसके ऊपर अपीयर हुआ है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, मीन्स डिप्लीशन रीजन डिक्रीज होगा, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होगा, इसमें कंडक्शन होगी, करंट फ्लो करेगा और करंट की डायरेक्शन एरो से शो की हुई है कि कैसे फ्लो करेगा। और जब करंट फ्लो करेगा लोड रेजिस्टेंस RL पे आके पोटेंशियल ड्रॉप होगा और हम यहाँ से आउटपुट ले लेंगे जो हमारे पास ये आउटपुट आ गई। अभी D1 इस टाइम पे वर्किंग हमने देख ली, लेकिन एट द सेम टाइम यही पॉजिटिव साइकिल CTT की वजह से 180 डिग्री के फेस शिफ्ट से D2 पे अपीयर हुआ यहाँ पे। अभी अब यहाँ पे अपीयर होगा तो क्या होगा, डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ नेगेटिव वेव फॉर्म होगी, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे तो ये रिवर्स बायसिंग होगी। जब रिवर्स बायसिंग होगी तो इसमें डिप्लीशन रीजन इंक्रीज कर जाएगा डायोड का, पोटेंशियल बैरियर भी इंक्रीज कर जाएगा, करंट पास नहीं करेगा। जब करंट पास नहीं करेगा तो लोड रेजिस्टेंस पे D2 की वजह से कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। हमारे पास पॉजिटिव साइकिल जो कि इनपुट से आया, ये पॉजिटिव साइकिल इतना पोर्शन जब इसमें से पास किया तो हमारे पास जो आउटपुट आई सिर्फ इतनी सी आई, और वो ये किसकी वजह से आई, D1 की वजह से। D1 कंडक्ट किया, D2 कंडक्ट नहीं किया। अब आप सोच रहे होंगे ये इसमें फिर करंट के एरोस क्यों दिखाए हुए हैं, ये देखिए इन्होंने बताया हुआ है कि ये ड्यू टू नेगेटिव हाफ साइकिल की वजह से है, जो कि अभी हम इसके बाद पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से नेगेटिव साइकिल जाएगा, प्राइमरी कॉइल में से पास करेगा, इसको स्टेप डाउन करेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग्स सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की, इसको डिवाइड करेगा दो पोर्शंस में जिसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ये नेगेटिव साइकिल अब D1 पे अपीयर होगा नेगेटिव साइकिल के तौर पे, सेंटर टेप प्रॉपर्टी की वजह से इसको 180 डिग्री का फेस शिफ्ट मिलेगा, यानी ये 180 के बाद जब D2 पे अपीयर होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि 180 का शिफ्ट मिल गया। D2 पे जब आएगा तो D2 का पॉजिटिव, डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव साइकिल आएगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जब फॉरवर्ड बायस होगा डिप्लीशन रीजन डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल बैरियर भी डिक्रीज करेगा और इसमें से करंट फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो करेगा यानी कंडक्शन होगी, करंट फ्लो करेगा और जो करंट होगा वो आपके पास RL पे ड्रॉप होगा। जब यहाँ ड्रॉप होगा पोटेंशियल तो हम इसमें से आउटपुट ले लेंगे और ये आपके पास आउटपुट पे DC आउटपुट पे सिग्नल आ जाएगा। लेकिन इसी टाइम पे D1 क्या कर रहा होगा,
इस पे नेगेटिव साइकिल आया है, क्योंकि नेगेटिव साइकिल नीचे तो पॉजिटिव के तौर पे अपीयर हो गया। नेगेटिव साइकिल जब यहाँ अपीयर होगा तो डायोड का पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल से मिलेगा, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। जब रिवर्स बायस होगा तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। जब कंडक्शन नहीं होगी तो करंट फ्लो नहीं करेगा। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो हमें डी वन पे ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल कोई RL पे हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा और हमें D1 की वजह से आउटपुट नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे हमने देखा इनपुट सिग्नल में से जब पॉजिटिव साइकिल जाता है तो D1 कंडक्ट करता है, जब नेगेटिव साइकिल जाता है तो D2 कंडक्ट करता है। यानी एक टाइम पे एक ही डायोड कंडक्ट कर रहा है, एक डायोड रिवर्स बायसिंग में है। जब नेगेटिव साइकिल जाएगा तो D2 कंडक्ट करेगा, लेकिन हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो फुल वेव में आ रही है, यानी वेव के दोनों पोर्शंस कंडक्ट कर रहे हैं, इसी वजह से इसको फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहा गया है। ये आपके पास आउटपुट वेव फॉर्म है। यहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे नीचे, सबसे ऊपर देखिए एसी इनपुट, एसी वेव फॉर्म, पॉजिटिव साइकिल है तो D1 करंट आएगा, D1 की वजह से करंट आएगा। नेगेटिव साइकिल है तो D1 वाला पोर्शन आप देख रहे हैं खाली है, लेकिन D2 का पोर्शन उसमें आपके पास आउटपुट है। इसी तरह आप नीचे आ जाएं, टोटल आउटपुट सम हो जाएगा आपके पास, टोटल आउटपुट जो कि DC करंट है। अब आप सोचेंगे ये DC करंट क्यों है, जबकि DC करंट तो स्ट्रेट लाइन है, ये पल्सेटिंग DC करंट है। आपने देखा AC साइकिल जो है उसके दो, उसमें अपर और लोअर ये देख सकते हैं, इसमें अपर और लोअर दो पोर्शंस हैं। लेकिन जब ये इसको पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करता है, जो सबसे लास्ट ग्राफ है इसमें आप देख रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ अपर पोर्शन है, मींस यूनिडायरेक्शनल करंट है। पल्सेस हैं, रिपल्स हैं इसमें, इन रिपल्स को हम रिमूव करेंगे किस तरह से, जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में किया था, हम इसमें फ़िल्टर लगाएंगे, इन रिपल्स को रिमूव करेंगे। ये क्यों रिमूव करेंगे, इसलिए कि जो फ़िल्टर हम क्यों यूज़ करते हैं, जो हमें आउटपुट पे करंट मिल रहा है वो DC है, लेकिन पल्सेटिंग DC है। अब पल्सेटिंग DC करंट जो होता है ये प्योर करंट नहीं होता, और ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती रिपल्स की वजह से, यानी पल्सेस की वजह से, ये फ्लक्चुएट करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम इस पल्सेटिंग DC करंट को यूज़ करके किसी DC सोर्स को करंट दें, या किसी DC ऐसे डिवाइस को करंट दें जो DC पे ऑपरेट होता है, तो क्या होगा, या तो वो ऑपरेट ही नहीं करेगा, यानी उसमें वर्किंग नहीं होगी, या फिर उसको डैमेज कर देगा। अब इसका सलूशन क्या है, इसका सलूशन ये है, इसमें जो रिपल्स हैं या इसमें जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको स्मूथ किया जाए, यानी रिमूव किया जाए। और ये कैसे पॉसिबल है, फिल्टर के थ्रू, क्योंकि इसमें पल्सेटिंग करंट जो है AC और DC दोनों कंपोनेंट्स को कंटेन करता है और इनको रिमूव करने की ज़रूरत है। हम फिल्टर कहाँ से लेंगे, या फिल्टर क्या होगा, यहाँ पे हम फिल्टर यूज़ करेंगे कैपेसिटर। फिल्टर के तौर पे हम कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों को यूज़ कर सकते हैं। कैपेसिटर की क्या प्रॉपर्टी है, ये AC को अलाउ करता है, DC को ब्लॉक करता है। इंडक्टर AC को ब्लॉक करेगा, डायरेक्ट करंट को अलाउ करेगा। फिल्टर AC कंपोनेंट्स को रिमूव कर देगा, फिल्टर कर देगा, छान देगा, और हमारे पास प्योर DC फॉर्म में ऑलमोस्ट प्योर DC करंट हम ले सकेंगे। अब फिल्टर कन्वर्ट्स द पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट इनटू प्योर डायरेक्ट करंट इन हाफ वेव रेक्टिफायर। इन फुल वेव रेक्टिफायर्स अ कैपेसिटर और इंडक्टर इज़ यूज्ड एज ए फिल्टर टू कन्वर्ट द पल्सेटिंग
डीसी टू प्योर डीसी। ये आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटर फिल्टर, आप देख रहे हैं। यह हमने कैपेसिटर को लोड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल लगा दिया। ये हमारे पास सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफिकेशन है। और यहाँ पे आप ये भी देख रहे हैं, इनपुट सिग्नल यहाँ से पास होके फिल्ट्रेशन रेक्टिफिकेशन होगी। रेक्टिफिकेशन के बाद कैपेसिटर जब हम इसके साथ लगाएंगे तो फिल्ट्रेशन होगी। और आप देख सकते हैं ये आपके पास जो डीसी आउटपुट है, इसको आप और से देखें कि इसमें जो डॉटेड लाइन है वो आपके पास पल्सेटिंग डीसी करंट है, और जो सॉलिड लाइन है ये आपके पास डीसी आउटपुट है, यानी इसमें इसकी रिपल्स को बहुत हद तक स्मूथ कर दिया है, काफ़ी हद तक इसमें से पल्सेस को रिमूव कर दिया। अभी ये जो इसमें कुछ पल्सेस नज़र आ रही हैं ये भी रिमूव हो सकती हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? जो हम फिल्टर यूज़ करेंगे वो उसकी मैग्नीट्यूड पे। जितनी अच्छा कैपेसिटर होगा उतनी अच्छी इसमें से फिल्ट्रेशन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर विद सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। सबसे पहले हाई रेक्टिफायर एफिशिएंसी। सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफिकेशन यानी फुल वेव रेक्टिफिकेशन हाफ वेव की निस्बत डबल इसकी एफिशिएंसी होगी, मोर देन 80%। फुल वेव हाफ वेव के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है। नंबर टू, लो पावर लॉस। क्योंकि एसी सिग्नल के पॉजिटिव और नेगेटिव साइकल्स दोनों ही रेक्टिफायर हो रहे हैं, कोई सिग्नल वेस्ट नहीं हो रहा, जितनी वोल्टेज आ रही है ऑलमोस्ट उतनी ही वोल्टेज स्टेप डाउन होने के बाद रेक्टिफाई हो रही है डीसी वोल्टेज में, तो इसमें बहुत कम पावर लॉस है कंपैरेटिवली हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के। आपने देखा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में रिपल्स लो है, फुल वेव में रेक्टिफिकेशन में रिपल्स लो हैं, हाफ वेव में रिपल्स कंपैरेटिवली हाई थी, इसीलिए फुल वेव हाफ वेव की निस्बत बेटर है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, हाई कॉस्ट, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर हम यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल ट्रांसफार्मर से थोड़ा डिफरेंट है, और डिफरेंट इसलिए है कि उसमें सेंटर टेप यूज़ की गई है और इसी वजह से ये एक्सपेंसिव भी है। दूसरा इसका नुकसान ये है, ऑक्यूपाई अ लार्ज स्पेस, यानी ज़्यादा जगह घेरता है। ये था हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन। थैंक यू।